अपने उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि ये देवभूमि है। जिस देवभूमि में ये कहते हैं कि जितने कंकर उतने शंकर, और आस्था का जो आयाम है हमारे यहाँ उसकी उसकी जो असीमित जो अपार जो श्रद्धाएँ हैं लोगों के अंदर, उसी में आज ऐसा उत्तराखंड के सुदूर काली नदी क्षेत्र में, काली घाटी क्षेत्र में मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ, जो पिथौरागढ़ से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पे है, रूम नामक स्थान पे। यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो यहाँ के न्याय देवता के रूप में जाने जाते हैं अपने गढ़वालिंग गणमेश्वर बाबा के मंदिर में है। तो ये नेपाल और भारत के बीच का यहाँ पर अटूट संबंध है। ये कहा जाता है कि जो इनका मूल है, उस मूल में जो गणमेश्वर बाबा जितने हिंदुस्तान में अपने भारतवर्ष में माने जाते हैं काली के वार, इतने ही काली के पार भी मनाए जाते हैं, इतनी मान्यता इनकी वहाँ पर भी है। जब यहाँ पे दशहरों में बड़ा मेला होता है पूरे क्षेत्र का, तो एक प्रकार से ये भूमिया के रूप में भी जाने जाते हैं, भूमि के, इस भूमि के देवता माने जाते हैं। तो नेपाल के लोग भी यहाँ आकर के उस मंदिर उस मेले में सम्मिलित होते हैं। बाबा गढ़वालिंग पे असीम आस्था है मेरी, और मैं लंबे कालखंड से यहाँ पर आता रहा हूँ। जब आता हूँ मुझे बड़ी असीम यहाँ पे शांति प्राप्त होती है, और वो शांति ये है कि मुझे हमेशा ऊर्जा देती है, और मेरे जीवन की जो सफलताओं के आज तक के जो मैं जहाँ तक भी आज तक पहुँचा हुआ हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरे जो बाबा गणमेश्वर हैं, क्योंकि मेरे ये इष्ट हैं, तो इष्ट की कृपा, ये हमारे धार्मिक आस्थाओं में भी ये कहा जाता है कि जो इष्ट होता है, और इष्ट जो है उसको हर जगह, जब बड़े धामों में भी हम जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो वहाँ पर पहले अपने कुल और इष्ट को पूजा जाता है, इष्ट के बाद ही आगे पूजा होती है। तो जो हमारे इष्ट हैं, तो उनकी जो कृपा है, दया दृष्टि है, जो उनके दिखाए हुए रास्ते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आज तक उन रास्तों में चल रहा हूँ, तो बाबा मुझे और समाज का अच्छा काम करने का, हर क्षेत्र में काम करने का मुझे अच्छा अवसर देंगे, ऐसा मेरे बाबा पर पूरा आस्था है। ओम श्रीयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भोगाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम सरसाय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम राय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सन्तनो भूमिदेवाय गच्छे तस्लोका प्रधानस्य जगन्नाथस्य भगवते विष्णुनां सहस्रनामा श्लोकापा भयावहं यानि नामानि गौराणि विख्यातानि महात्मनो ऋषिविपरीतानि तानि वशां भूते ऋषीणां सत्यासु वीर्यासु महामणि छन्दो दुष्मदेवो भगवान् देवकी सुतः ओम विष्णु विष्णु महाविष्णु परविष्णु महेश्वर अनेक रूप दैत्यातम नामानि पुरुषोत्तमम ओम विष्णु विष्णुशकार भूतवर्ग भर्गो भूलिकृतम भूलिकृतम भाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा मुक्तावा परमागति अभ्यं श्री क्षत्रि क्षेत्र श्री की वच योग योग विदा नेता प्रधान विशेषम नारसिंहम श्रीमान पुरुषोत्तम सर्वसर्व शिवंता भूतादि भव्य सम्भो भावन भर्ता प्रभो प्रदेश स्वयंभु समुरादित्य उषराक्षो महासना अनादिनी धनुदाता विदाता धातृतम अप्रवी हृषिकेशो पदुनव प्रभो विश्वकर्मा मन तुष्टा थविष्ठा थविरुद्रवा आग्रह स्वागत कृष्ण दुहिताच वर्तन परमोदी गगम धाम पवित्र मंगलम वरम यशान प्राणो प्राणो जिष्णु श्री प्रजापति घन प्रभु भूगन भू माधव मधुसूदनम जिसो विकर्मी धर्मी मेधावी विकर्मी कर्म नो विराधा सुरेशम शरणम सर्व विश्रेता प्रजा भवा आम संवत्सरो व्यालोकवर्ते सर्वदर्शनम अदम सर्वेश्वरम सिद्धम सिद्धि सर्वदम। ये कहा जाता है कि इनके जो चार अंग हैं, इनका जो धड़ है और जो उसके जो दो अंग हैं, उसका तीन हिस्से इसके नेपाल में हैं, और जो इसका जो जो बायां जो अंग है जो बहुत सक्रिय रहता है, जो मूल मंदिर है वो अपने रूम में अपने भारतीय क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। और इन पे जो आस्था है, जो इनका मूल माना जाता है, देवताल के साथ भी इनका संपर्क है, और इन्होंने ही जो भगवती माता हैं उनके उनकी जो स्थापना हुई है, वो भी जो डोटी में है नेपाल में, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई है। और जो नीचे अपने जो देवगढ़ बाबा हैं, देवताल बाबा,
तो उनको भी वहाँ पे कलित रूप में ये भी उनके ही गण हैं, उन्हीं के सेवक हैं। तो जो भी सेवा गण बाबा गणेश्वर की होती है, जो भी आराधना होती है, जो शक्ति होती है, जो भी अर्चना या जो भी मांग या मन्नत की जाती है, ये अपने आप में जो मेरा अपना आज तक का अनुभव है, मैं विगत लंबे समय से आ रहा हूँ यहाँ पे, तो बड़ी आस्था है मेरी। और मैं ये मानता हूँ कि जो मन्नत मन से मांगी जाती है वो पूरी होती है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे बाबा देवताल के लिए जो दीप या धूप जलाई जाती है बाबा गणेश्वर के मंदिर से, वहाँ पर याद किया जाता है उनके शिष्य को, तो वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से नेपाल का पूरा क्षेत्र दिख रहा है, और जहाँ पर ये यहाँ पर से नीचे जो काली नदी का क्षेत्र आ जाता है, खड़ी चट्टान है यहाँ पर, उसी के तल में नीचे जो है बाबा देवताल स्थित है। और बाबा देवताल वो शक्ति है और वो असीम आस्था है देवताल पे, उतनी ही नेपाल में और उतनी ही अपने क्षेत्र में है। दूर दूर तक इवन तराई क्षेत्र से बाहर से भी कई लोग आकर के बाबा देवताल के दर्शन के लिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि वहाँ पर 7 दिन के लिए चोखा होना जरूरी है। पूरी आस्था के साथ वहाँ पर जाया जाता है उस नीचे देवताल में। और यहाँ पर मैं यहाँ पर स्थित हूँ, यहाँ पर से ही जो भक्त नीचे नहीं जाते हैं वो यहीं पर से बाबा देवताल को यहीं पर से धूप और करके उनकी आराधना करते हैं, और उनसे उनके दरबार की जो है यहीं पर से दरबार में यहीं पर से उनकी पूजा करते हैं। ये यहाँ पर ये स्थान स्थापित किया गया है। बाबा देवताल जो है भारत और नेपाल के बीच का जो सांस्कृतिक संबंध है उसके बड़े स्पष्ट प्रतीक हैं। जो भी जितनी मान्यता भारत की तरफ है उतनी ही वहाँ पर नेपाल की तरफ से भी है, जो नीचे हमारा देवताल या जिसे देवगढ़ बाबा कहते हैं नीचे, तो वहाँ पे जो लोग यहाँ से आस्था के साथ जाते हैं, जितना मेरी आज तक की जानकारी है, जितने लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, वो ये कहते हैं कि जो भी मांग के जाओ इवन वो संतान तक देते हैं। और मतलब ये कहना चाहिए कि जो मन्नत होती है तो देवताल बाबा, इसीलिए उनका नाम ही देवताल रखा गया है, देवता की ताल है वो नेपाल को भी उतना ही जोड़ती है भारत से जितना भारत को नेपाल से जोड़ती है। तो नेपाल के भारत के बीच के जो पुराने एक लंबे अंतराल से प्राचीन काल से जो संबंध रहे हैं उसका स्पष्ट प्रतीक है वहाँ पे। ये कहते हैं कि इसी क्षेत्र में, हमारे जो काली घाटी क्षेत्र में, नेपाल और भारत के बीच में जो है रोटी बेटी का जो संबंध है वो आज भी बना हुआ है। आज भी ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो निरंतर रूप से अबाध गति से वो अभी भी शुरू है, वहाँ पे कोई वो नहीं आई है। बीच के दौर में थोड़ा सा कहीं पे उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन जो लोगों के दिलों में जो जगह है, जैसे आज भी बाबा गणेश्वर के मंदिर में जो पुजारी हैं वो नेपाल के ही जो भट्ट लोग हैं, उनकी वही पूजा यहाँ पर करने में, उन्हीं की पूजा यहाँ पर चढ़ती है। वो आज भी जो दो भाई हैं केशव दत्त और भानु दत्त यहाँ पर मंदिर में रहते हैं और वही यहाँ आके उसकी पूजा करते हैं। तो जो पुराना संबंध है, जो आपसी संबंध है, इवन जो पुजारी भी हैं वही आके करते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित होता है कि आज भी हमारी जो आस्था या हमारी धार्मिक जो आस्थाएँ हैं, हम कहते हैं कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र है, तो वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है दुनिया में, तो वो जो भावना उसकी है वो हमारे क्षेत्र में भी, हमारे हिंदुस्तान की तरफ भी वो दिखती है कि जो उनका जो वो हिंदू आस्था का जो परिदृश्य है या जो वो जो सोच है वो अपने इस क्षेत्र से ही आगे देश की तरफ बढ़ती है, क्योंकि ये देवभूमि मानी जाती है उत्तराखंड। तो यहीं से जो धार्मिक आस्था का जो संदेश है तो वो एक रूप से यहाँ से प्रकट होता है और यहाँ से आगे बढ़ता है। ये हम पिथौरागढ़ के निवासी हैं, तो सैनी में भंडारी लोग हैं हम लोग।
यहाँ पर हम करीब 20 साल से आ रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों को पहले पता तो नहीं था कि यहाँ पर हमारे इष्ट होते हैं करके। तो जब से पता चला कि हमारे इष्ट हैं तो हमने भी यहाँ पर आना शुरू किया, और जब भी हमें आए तो यहाँ पर हमें आने के बाद अच्छा ही लगा हमेशा। और यहाँ इस क्षेत्र से जितने भी लोग इस एरिया के हैं उनके द्वारा यहाँ की मान्यता सुनी और यहाँ की बारे में जानकारी हुई, और काफ़ी शक्ति यहाँ हमारे इष्ट पर है, तो काफ़ी आस्था हमें है, तो हम लोग बराबर यहाँ पर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से। और इष्ट की कृपा भी हमेशा हम पर बनी रहती है, तो कोई भी परेशानी हो तो हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो हमें समाधान मिल जाता है। तो इसलिए जब भी हम पिथौरागढ़ आना होता है तो हम बराबर यहाँ पर आके अपने इष्ट के दरबार में आके धूप बत्ती करके जाते हैं हमेशा। हम बात कर रहे हैं आज अपने गढ़वालिंग के दरबार में यहाँ के पंडा जो हैं भानदेव भटजी से। तो भटजी, आप ये बताएं कि आप का मूल कहाँ पर है और आप कब से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और आपको ऐसा क्या अनुभव होता है कि बाबा के दरबार में दिन पर दिन बाबा के दरबार में मन्नत मांगने लोग आते रहते हैं, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? इस मंदिर में पूजा करने को 40 साल हो गया। यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं, अभी हमारे यहाँ निवास बेन्नी में है। बेन्नी में आप रहते हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो अभी आपको जब ऐसा जब आते हैं तो दिन पर दिन आपको दिख रहा होगा 40 साल से कि बाबा पे लोगों की आस्था बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। कुछ आपको ऐसा अनुभव हो, कुछ ऐसा लोग आपसे कहते हो? जी जी, लोग लाते हैं यहाँ, जब आते हैं इधर को दोबारा आते हैं तो उनकी प्रवेशा को प्रमाण लेके आते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। हमको अफसोस लग जाता है कि ये कैसे हुआ। पहले आते हैं हमारे से विनती करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो उनको मनोकामना पूर्ण हो के दोबारा वहाँ यहाँ सवा लेके आते हैं, गुरु जी यश बाबा की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई करके दोबारा आता है, लोग बार बार आता है। तभी इस यहाँ का जो भी अभी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ बहुत दिखाई दे रहा है पहले के से बढ़ने का। भानदेव जी, आप ये बताइए कि इस बाबा गढ़वालिंग के बारे में जो इसका वो है, स्थापना कब हुई, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? जी, इसके बारे में, स्थापना के बारे में बताते हैं, हमारे सुनने के अनुसार ये फुटलिंग बताते हैं, मंदिर बना के शिला थाप के ऐसे नहीं बताते हैं। यहाँ अंदर जो यहाँ हमारे गोफा में पूजा लगती है वो ऑटोमेटिक लिंग है, पूजा करने का जो अंदर बनते हैं उसमें ऑटोमेटिक लिंग है, वहाँ पर पूजा होती है। और वो कब कब खुलता है ये खुलने वाला मुख्य दरबार कब कब खुलता है? नवरात्रि में, एक तो चैत की महीने होती है, मार्च में होती है, दूसरी हमारे ये सितंबर में होती है, असौध में होती है, फिर उसके बाद ये जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है उस दिन खुलता है, फिर उसके बाद हमारे ये सावन के महीने में होम होता है उस दिन खुलता है, फिर उसके बाद ये पूष के महीने में खुलते हैं, जेठ के महीने में खुलते हैं, इन दिन ये हमारे द्वार खुलते हैं। जो जेठ और पूष दो महीने खुलते हैं, सावन के महीने ये हमको दिन तय करने के करके फिर खुलते हैं, दिन तय करते हैं तब खुलते हैं, तब खुलते हैं। अच्छा जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे? सच्चाई मन से जो मंदिर में आते हैं वो निष्फल नहीं होता है। यहाँ के लिए नियम ऐसे हुए, यहाँ फल ऐसा मिलता है कि नियम पालन करने से यहाँ फल मिलता है, खाली आने जाने से नहीं मिलता, ये भी है यहाँ का प्रमाण। ठीक, नियम पालन क्या क्या होते हैं यहाँ के लिए? लहसुनी, प्याज, मीट, मदिरा, ठीक, ब्रह्मचर्य, सबसे पहले यहाँ आने का ब्रह्मचारी का ज़्यादा पालन चाहता है। नीचे देवताओं के मंदिर में जाओ या इस मंदिर में आओ, ब्रह्मचारी का पालन सबसे बड़ा है यहाँ के लिए। अगर इस हिसाब से जो लोग यहाँ आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ये प्रमाण है, मैंने देखा है।